तो इस वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज के मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको एकदम डिटेल में वो एक्सप्लेन करूंगा। मैं बताऊंगा कि वो पिंक ड्रेस में जो चार्लीज थियोन का जो कैरेक्टर दिखा था क्लिया, वो एक्चुअल में कौन है, और क्या आपको पता है वो कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला प्यार और उनकी वाइफ है। तो ये सब बातें आपसे डिस्कस होंगी आज। प्लस हम डिस्कस करेंगे एक्समैन का एमसीयू में आगे क्या दिखेगा, और ये जो एंड में जो भाई पोर्टल खुला था डार्क डायमेंशन का, वो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको हिंट दे रहा है, वो सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वहीं से शुरू होता है जहाँ से नो वे होम और वांडा विजन ने हमें छोड़ा था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक हॉरर और हार्ट ब्रेक का एक बहुत ही अच्छा विजुअल्स आपके सामने प्रेजेंट करता है। प्लस ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी चाहतों और जो हमारी डिज़ायर्स होते हैं, जिससे हम ऑब्सेस्ड होते हैं, उसके लिए हमें क्या कीमतें चुकानी पड़ती है। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली बात है ये मूवी देख ली होगी। और यार इस मूवी के बाद ना ये मल्टीवर्स और बड़ा होने वाला है, एमसीयू हमारा और बड़ा होने वाला है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आगे क्या चीज़ें आपको दिखने वाली है। तो क्रेडिट सीन पे पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं, इस मूवी में जो बैटल हुई है ना, वो एकदम धरती फाड़ मल्टीवर्स फाड़ बैटल हुई है, जिसमें स्कारलेट विच के सामने थे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और उनकी नई दोस्त, या फिर हम कह सकते हैं उनकी एडॉप्टेड बेटी, जिन्होंने साथ मिलके अभी के लिए तो दुनिया को बचा लिया है। एंड में हमें देख के लगा कि वांडा ने डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय करते करते अपने आप को भी ख़त्म कर लिया है, लेकिन हम ये बात सुन चुके हैं कि एलिजाबेथ ऑल्सन ने 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पे साइन कर दिया है। तो हमें आगे भी देखने को मिलेंगी एमसीयू में, किस तरीके से देखने को मिलेंगी वो हम अभी के लिए मार्वल पे छोड़ देते हैं। तो फिलहाल के लिए मूवी से अभी हमें कंक्लूजन ये मिला है कि अभी के लिए तो ये जो ईविल पावर्स थी, इससे अपना एमसीयू बचा हुआ है, लेकिन कब तक बचा रहेगा वो देखने वाली बात होगी। अपनी जो अमेरिका चैविज थी वो अभी हमारे यूनिवर्स में ही फिलहाल के लिए रुक गई है। अब वो करेगी क्या, कामर ताज में थोड़ा जादू वगैरह सीखेगी, जिससे जो उसकी वो पावर्स है उस पर वो अच्छे से कंट्रोल कर सके। उसके बाद वो अपने जो मम्मी को ढूंढने वाला काम था वो कंटिन्यू करेगी, जिसको उसने अपनी पावर्स की वजह से, गलती की वजह से अपने आप से दूर कर दिया गया था। अब आ जाते हैं मूवी की बड़ी बात पे। तो हमारे अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की भी तीसरी आंख खुल चुकी है, जैसा कि उसके इस मूवी में उसके करप्टेड वर्जन प्लस हम व्हाट इफ वाले सुप्रीम स्ट्रेंज को देख चुके हैं। मूवी में इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और हम यार ये पहले देख चुके हैं, जो ये तीसरी आंख खुलने वाला इंसिडेंट है वो स्ट्रेंज के करप्टेड वर्जन के साथ ही हुआ है। तो इसको लेके मेरी एक थ्योरी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने इस मूवी में देखा है अपना जो डॉक्टर स्ट्रेंज था, उसने एक लाश के ऊपर पोजेशन किया था। अब ये ना डार्क मैजिक टाइप में आता है, प्लस हमने वांडा को डार्क होल डिस्ट्रॉय करते हुए भी देखा था। तो मान लेते हैं कि जब वो इस लिंक को, मल्टीवर्सल लिंक को डार्क होल के द्वारा डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो दरवाज़ा बंद होने से पहले, लिंक टूटने से पहले, कोई एक ऐसी शक्ति अंदर आ चुकी है। हम देख चुके हैं मूवी में, वॉन्ग ने हमें बताया है कि ये डार्क होल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, चिथोन के बारे में बताए हैं। तो और चिथोन को आप बताता हूँ मैं है कौन, वो ना एक मल्टीवर्सल गॉड टाइप का है, जो कि पहले अर्थ पे ही रहता था, एल्डर गॉड। उसके बाद वो अपने डायमेंशन में चला गया था, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी, लेकिन वो अर्थ पे आने के मौके ढूंढता रहता है, और उसके लिए उसे एक पावरफुल वेसल चाहिए होता है, एक सोल चाहिए होता है। अभी उसने ये चीज़ वांडा पे ट्राई करी थी उसको करप्ट करके, लेकिन इसमें वो सफल नहीं रहा, तो शायद वो आगे स्ट्रेंज पे भी ट्राई करे। अब ये देखिए पूरी ये जो बात है ये थ्योरी है, तो आप अपनी थ्योरी नीचे दे सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने मिड क्रेडिट सीन पे, जो कि मेन सीन है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो डोरमामू से लड़ने के बाद इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मशक्कत मेहनत करने के बाद अपने जो स्ट्रेंज है वो चैन की सांस लेते हुए न्यूयॉर्क की गलियों में टहल रहे हैं, तभी इनकी मुलाकात होती है एक पर्पल ड्रेस में एक लड़की से, जो कि एकदम अचानक से वहाँ आ जाती है, और ये उनको बताती है कि तुम्हारी वजह से कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं, उनको ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो वहीं पर टाइम स्पेस में एक चीरा मारती है और एक डार्क डायमेंशन का पोर्टल टाइप का खुल जाता है। वो उससे पूछती है कि अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो हम चल सकते हैं, और अपना स्ट्रेंज अपनी तीसरी आंख खोलता है, अपना वो जो चोगा पहन के, वो दोनों उसके अंदर चल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस कैरेक्टर के बारे में। तो कॉमिक्स बुक फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, ये कैरेक्टर जो है वो क्लिया है, और अगर आप कॉमिक बुक फैन नहीं है तो भी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि जानने का हक तो यार आपको भी है।
क्लिया जो है, जैसे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम है, वैसे क्लिया जो है वो डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर सुप्रीम है। आप डार्क डायमेंशन को 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देख चुके हैं, जहाँ पे डोरमामू रहता है। क्लिया जो है वो रिश्ते में डोरमामू की नीस यानी कि उसकी बहन की बेटी लगती है, और ये बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है। ये दिल की काफ़ी अच्छी है, दिखने में भी काफ़ी अच्छी है, उसकी तरह नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये लोग कॉमिक में मिलते कैसे हैं। डोरमामू से डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ता रहता है, उसको अपने यूनिवर्स को बचाना है। तो एक बार वो उसके घर में घुस के उसे मारने गया था डार्क डायमेंशन में। वहाँ इसकी मुलाकात होती है क्लिया से, और उससे लड़ने में क्लिया इनकी काफ़ी हेल्प करती है। इसके बाद इन दोनों का प्यार बढ़ता है और एक टाइम पे ये शादी भी कर लेते हैं। लेकिन दुनिया और डायमेंशन के डिफरेंस की वजह से ये कभी भी एक साथ रह नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है अगर डार्क डायमेंशन और अपना यूनिवर्स मिला तो क्या हो सकता है, ये हम 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज में देख चुके हैं। इसलिए इनको यार ये मेक श्योर करना होता है कि इनकी जो दुनियाएं हैं वो आपस में टकराए ना। तो इनका प्यार एक अलग लेवल का है, मतलब नदी के दो किनारों की तरह, जो साथ तो रहते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं हैं, क्योंकि इनकी अपनी दुनियाओं को भी अलग रखना है इस दुनिया को बचाने के लिए, इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। अब वापस उस पॉइंट पे बात करते हैं कि क्लिया ने कहा था कि तुम्हारी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है। अब डार्क डायमेंशन में क्या ही गड़बड़ होगा, वो तो खुद ही गड़बड़ों का पिटारा है वहाँ पे। तो क्या, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डार्क होल्ड का ओरिजिन है, ये कॉमिक्स में हमें डार्क डायमेंशन के थ्रू भी दिखा रखा है, जिसको कॉमिक्स में हेल या हेल डायमेंशन भी बोला गया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो वहाँ पे गड़बड़ हो रही है वो चिथोन कर रहा है, वो अर्थ से पहले डार्क डायमेंशन के ऊपर पोजेस करना चाहता है, उसको अपने काबू में करना चाहता है, देन अर्थ को वो आसानी से कर सकता है काबू में। तो इसीलिए जो क्लिया है वो उसकी हेल्प लेने आई है। तो क्या हमें आगे की मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज, क्लिया प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज का पुराना एनिमी डोरमामू साथ मिलके चिथोन से लड़ते हुए दिखाए जा सकते हैं? देखिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मूवी के नाम में ही मैडनेस है, और अभी MCU खुद भी पागलपन कर रहा है पूरी चीज़ें। अभी मून नाइट मैंने देखा, क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाई हैं। तो कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हर चीज़ हमें दे सकता है अब। तो ये थी कहानी क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले प्यार की, जो कि मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ्यूचर में मार्वल हमें क्या दिखाने वाला है। अब वो उस पोर्टल के थ्रू क्या करने गए हैं, दुनिया बचाने गए हैं या कुछ और करने, वो हमें आगे की फिल्मों में दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो ब्रूस कैंपबेल का जो कैरेक्टर था, जो कि कैमियो के नाम पे हमें कैमियो ही दिया, कुछ उससे बढ़ के दिया ही नहीं मार्वल वालों ने, तो वो एक पिज़्ज़ा पॉपर शॉप का ओनर था। अब हुआ क्या ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो उस पर मैजिक किया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को मार रहा था, इस पोस्ट क्रेडिट सीन में उस मैजिक का असर ख़त्म हो जाता है, और वो कैमरे की तरफ देख के जैसे कि वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा हो। और मूवी में हम एक और जगह ये देख चुके हैं फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए, मतलब जो कैरेक्टर है वो एकदम कैमरे में देख के ही बोल रहा है। तो इन्होंने कैमरे में देख के ही बोला इट्स ओवर, जो कि इशारा था कि अब फिल्म ख़त्म हो चुकी है, तुम घर जा सकते हो, अब देखने के लिए कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने अर्थ 838, जो कि फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स है। हमें इसमें मिल चुका है प्रोफेसर एक्स। केविन फाइगी ने ही बोल दिया है कि मतलब जो ये म्यूटेंट्स हैं ये भी यूनिवर्स में फैले हुए हैं, और ये हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट की वजह से जैसे डार्क डायमेंशन में कुछ गड़बड़ हुई है, वैसे ही फॉक्स वाले एक्समैन यूनिवर्स में भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। और ये ना मार्वल ने एक तरीके से एक बीज बो दिया है कि आगे हम एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देख सकते हैं, और ये देखने में कितना मज़ेदार होगा, एक बहुत ही बड़ा कोलैबोरेशन होगा। मान लेते हैं 4-5 सालों के में तो हमें ये नहीं देखने वाला, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं यार, वेट कर लेंगे 4-5 सालों के लिए। अभी बहुत सारा कॉन्टेंट है हमारे पास, अभी सीक्रेट वॉर्स आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आपको बहुत अच्छे से दो पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करा, एक तरीके से मूवी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक का ही बटन है, सब्सक्राइब का भी है, शेयर कमेंट भी है, अगर ज़्यादा ही अच्छी लग गई तो इनका भी इस्तेमाल कर देना। यार आधुनिक युग में जी रहे हो तो इन आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करो। और चलो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।